क्या शर्ट लगा था बोलिए पत्रकार रविकांत। ये आपको बिना रुके यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना है। अच्छा, उसके बाद? और इसमें आपको कोई भी बहाना चलेगा नहीं। बहाना नहीं चलेगा, अन्यथा आप यहीं से मुड़ जाए। मुड़ जाए शर्त को। एक इधर से रास्ता है तो देखा जाने का, एक इधर से जाना है। अच्छा, ये जैन कॉलेज जाता है ना? ये जैन कॉलेज जाता है। अच्छा, जहाँ तो डिप्लोमा और बीटेक होता है। डिप्लोमा बीटेक होता है। और यहाँ से बीटेक नहीं करने का है? अच्छा, बीटेक नहीं करना है, डिप्लोमा का खाली डिग्री लेना है। डिप्लोमा डिग्री, ठीक है ठीक है। और देखिए ये हमारे डैम है। डैम है, गालुडी डैम। गालुडी डैम, अच्छा। और कुछ बताइए क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र में इधर देख सकते हैं बाग बगीचा है, जामुन वगैरह का पेड़ है। और काजू उजू का भी है क्या? काजू तो इधर नहीं मिलती, आगे मिलेगी आपको। अच्छा, होगा 4 किलोमीटर। मैंने आगे एक नदी है सुने है। हाँ, सोनरेखा नदी है। अच्छा, सोनरेखा नदी है। यही खरकाई नदी में जाके मिल जाती है। अच्छा, खरकाई में मिल जाती है ना। और दलमा पहाड़ भी शायद इधर है ना? दलमा पहाड़ के बारे में हमारे प्रदीप जी संवाददाता बताएंगे। अच्छा, प्रदीप जी संवाददाता। और ये क्या का फूल है पत्रकार जी? ये तो पलाश का फूल है। पलाश का, झारखंड का ये रास्ते फूल है। अच्छा, बहुत ही सुंदर। देखिए दोस्तों, और कुछ बताइए। झारखंड का राज फूल है। झारखंड का राजकीय पुष्प। हाँ, और ये यदि जब इसकी विशेषताएं कुछ बताइए। बस इसकी विशेषता ये है कि आप समझ लीजिए ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बस होली आने वाली है। होली आने वाली है, आप समझ सकते हैं। अच्छा, और देखिए यही नदी है जो जाती है खड़काई नदी में। अच्छा, ये छोटी सी नदी है, इसी की संगम हो जाती है। संगम हो जाती है ना। और कुछ विशेष सूचना दर्शकों के लिए? टहलने के लिए ना। अच्छा, और सुबह सुबह क्यों टहलना चाहिए? सुबह सुबह टहलने से हमारे मानसिकता पे बहुत असर पड़ती है। अच्छा, साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। लाभदायक है ना। देखिए अभी 8 बज गई है पर हमने दौड़ना नहीं। सूर्य किरण में दौड़ रहे हैं। विटामिन डी आपके साथ साथ बॉडी पे लग रही है। और अभी हमेशा दौड़िए, 1 घंटा अपना समय अपने शरीर पे जरूर निकालिए। हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप रोग मुक्त रहेंगे जी। और दवाइयों से दूर रहेंगे जी। और आप सुबह नहीं उठेंगे तो आपकी बॉडी में एक जकड़न फीलिंग हो जाएगी। जकड़न फीलिंग हो जाएगी, बिल्कुल सत्य। इसके चलते आपको बुढ़ापा में बहुत कई तरह की बीमारी भी हो सकती है। अच्छा, गठियावात रोग भी जी हो सकते हैं ना जी। और कोई विशेष सूचना? विशेष सूचना आप दिखा सकते हैं दर्शकों को कि यही एक रास्ता। और पलाश का फूल जो है चारों तरफ दिखते हुए। और ये बहुत ही क्षेत्र में परिवर्तन हो गया है नहीं? हाँ। बहुत ही सुंदर नजारा। देखिए दोस्तों, प्रकृति का खूबसूरत नजारा। और अभी छोटा सा नाला नहर बोल सकते हैं, रुकना नहीं है दोस्तों, दौड़ते रहना है। क्योंकि हमने ठाना है नदी पार करके आना है। वाह, शानदार। प्रदीप जी काफ़ी तेज हम लोग से, और रवीश कांत पत्रकार महोदय थोड़ा चले चले, हमें लेटते, हमें 9 बजे तक वापस भी आना है, इसीलिए रफ्तार मेंटेन करना है। और ये देखिए पलाश का फूल चारों तरफ।
और प्रदीप जी कुछ बोलिए, होली में क्या कर रहे तब? होली हमारे प्रदीप जी के यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अच्छा, होली हिंदुओं का मुख्य पर्व है। क्या क्या दुश्मनी भूल जाइए, सबसे दुश्मनी भूल जाइए और खाइए पीजिए। आप पे है क्या खाइए ना, और पीने में जो भी, फॉर एग्जाम्पल पानी, पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है। और चारों तरफ का शानदार नजारा, यही वीडियो को एंड करते हैं।